नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बॉलीवुड दर्शन यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक एक्टर को कितने पैसे मिलते हैं? काफी अरसे से आप ये जानना चाहते थे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल बॉलीवुड दर्शन पर। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनके लिए ये जरूरी सूचना, बॉलीवुड दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। तो अगर आपके मन में ये ख्याल है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक एक्टर कितने पैसे मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी डिटेल, वो सारी अंदर की जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले तो दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आप इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम करना चाहते हैं तो आज का दौर बहुत अलग है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास काम करने के लिए बतौर एक्टर। आज इंडस्ट्री और एक एक्टर सिर्फ टीवी या फिल्म्स तक सीमित नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट का बहुत बड़ा माध्यम आपके पास है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न और इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर हजारों की तादाद में वेब सीरीज बन रही है, शोज बन रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, उनके ओरिजिनल्स बनते हैं, तो आज काम बहुत ज्यादा है। और आज एक एक्टर सीमित नहीं है, उसके पास असीमित ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप जहां चाहे वहां काम कर सकते हैं, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये दौर है। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपके पास इससे पहले आज तक ना थी और ना मेरे हिसाब से कभी होगी। दोस्तों सबसे पहले आज बात करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह के कैरेक्टर काम करते हैं और उनका बजट क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लीड एक्टर्स होते हैं उनका फाइनलाइजेशन प्रोड्यूसर करता है, तो उसका बजट करोड़ों में हो सकता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। लीड एक्टर्स को छोड़ के, यानी एक फिल्म में या एक सीरीज में जो लीड एक्टर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो 99% आर्टिस्ट होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो अगर आप मुंबई में आ रहे हैं तो दिमाग में एक बात सोच कर आइएगा कि आपको एक्टर बनना है, आपको लीड आर्टिस्ट बनना है, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल आपको एक्टिंग करना है, काम करना है इंडस्ट्री में एज अ एक्टर, और जब आप उस लायक हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लीड भी मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप अपना माइंड एकदम क्लियर करके आइए कि इनिशियल 3-4 साल में मैं कौन से किरदार करने वाला हूं और उसके लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी की, यानी टीवी सीरियल्स। बहुत सारे शोज बनते हैं दोस्तों, बहुत सारा काम है टीवी सीरियल्स में, डेली बेसिस पे आर्टिस्ट की वहां पर जरूरत होती है, तो वहां पर अगर आप काम करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से काम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कैरेक्टर है जो कि एक एपिसोड का है, यानी एक एपिसोड बनने में 3 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, अगर आप 4 दिन वहां पर काम करते हैं एक एपिसोड में, तो आपको पर डे का 2,000 से लेकर 10,000 तक ऑन एन एवरेज मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर, क्योंकि आप नए हैं, आपको कोई जानता नहीं इंडस्ट्री में, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में 2,000, 3,000 या 5,000 मिले, लेकिन इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये भी एक अच्छी रकम है अगर आपने जर्नी स्टार्ट की है, तो 2,000 से 10,000, 15,000 तक आपकी वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू कहते हैं इसे एक एक्टर की। तो ये बात थी टीवी की। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, कोई मंथली फिक्स इनकम नहीं होता, जितना आप पर डे काम करेंगे पर डे के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू दी जाती है, उसके हिसाब से आपकी फीस आपको दी जाती है। दूसरे प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, वो है फिल्म्स। फिल्म्स में दोस्तों अच्छा बजट मिलता है एज कम्पेयर टू टीवी, वो कहीं ना कहीं वैरी कर सकता है 5,000 से लेकर 30,000 का। तो हो सकता है कि आपको 5,000 मिले शुरुआती दौर में, 10,000 पर डे मिले या 15,000 पर डे मिले। फिल्म्स मिलना एज कम्पेयर थोड़ा सा मुश्किल होता है टीवी के मुकाबले, लेकिन अगर आप लकी हैं, आपको अगर काम मिल गया किसी फिल्म में,
और 15 दिन का या 20 दिन का अगर आपका कैरेक्टर है, अगर आपको 10,000 भी मिल रहा है तो काफी अच्छा पेमेंट आपका हो जाता है। और अब बात करते हैं टीवी कमर्शियल्स की, टीवी एड्स की। अगर आप टीवी एड्स के लिए फाइनलाइज किए जाते हैं तो वहां पर एज कम्पेयर टू फिल्म्स और एज कम्पेयर टू टीवी आपको काफी अच्छा पेमेंट वहां पर मिल जाता है। वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपको 10,000 मिले, हो सकता है कि आपको 50,000 मिले, हो सकता है कि आपको 1,00,000 तक मिले। ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कितने सारे लोग पहचानते हैं और आपने कितना काम किया हुआ है। अगर आपका काम उनको पसंद आए तो हो सकता है कि आपको एक एड का 50,000 तक मिल सकता है। बात करते हैं सीरीज की, जो कि नेटफ्लिक्स, एमेजॉन, एमएक्स प्लेयर, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं इंटरनेट पर, जहां पर बहुत इजी माध्यम है लोगों के लिए। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, आप जब चाहे जहां चाहे वहां पर ये सीरीज देख सकते हैं। ये सारा कंटेंट जो आपके मोबाइल में है इजीली एक्सेसिबल है। इसी वजह से कई सारे शोज बन रहे हैं, कई सारे सीरीज बन रहे हैं और कई सारे एक्टर्स को उसमें काम भी मिल रहा है। हो सकता है कि यहां पर आपको इनिशियली अच्छा पैसा ना मिले, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर आप पॉपुलर हो गए, एक बार अगर आपका चेहरा नोन हो गया, तो आप यकीन मानिए लोग आपको सामने से बुलाकर आपके हिसाब से आपकी मनचाही फीस आपको देंगे। तो इनिशियली अगर आप सीरीज में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 5,000 से 15,000 पर डे के मिले, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बार अगर आप नोन हो गए और इंडस्ट्री आपको पहचानने लगी, उसके बाद आपको काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा। और जहां तक की बात रही कि एक एक्टर महीने में कितने दिन बिजी होता है और उसको कितना काम मिलता है, तो जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, ऑन एन एवरेज एक एक्टर महीने में जो कि सीरीज में और फिल्मों में और टीवी में काम करता है, ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं वो 8 से 12 दिन बिजी होता है। तो अगर आप 12 दिन बिजी हैं, 10,000 पर डे में अगर आप काम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको 1,00,000-1,20,000 के आसपास आप कमा सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, आप इस बात को समझिए। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 12 दिन बिजी रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है आप 12 दिन हो सकता है आप 8 दिन बिजी हो एक महीने में, हो सकता है कि आपको उस महीने कोई काम ही ना मिले, या हो सकता है आप 20 दिन बिजी हो। लेकिन ये बिजी होना डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है, पूरे देश में लॉकडाउन है, इंडस्ट्री भी अफेक्टेड है, कई सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा, सब अपने अपने घर पे बैठे हैं। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन का भी आपको सामना करना पड़ जाए, जहां पर कोई काम ना हो, आपको कोई इनकम ना मिले, लेकिन फिर भी आपको सर्वाइव करना है। तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखकर आपको एज एन एक्टर प्लान करना होगा। और ये सिर्फ 1-2 महीने की या 1 साल की बात नहीं है, ये कई कई सालों तक आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपसे ट्रेंड ना हो और आपको इसी तरीके से डेली बेसिस पर ऑडिशन देना है, डेली बेसिस पर काम मांगना है और आगे आगे काम करते चले जाना है। और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, इंडस्ट्री के अंदर की जानकारी आपको जाननी है, जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वो आपको चाहिए, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है बॉलीवुड दर्शन, क्योंकि यहां पर मैं आपको इस तरह की ढेरों इंफॉर्मेशन लाकर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे एक्टिंग सीखने में, चाहे वो ऑनलाइन एक्टिंग हो जहाँ पर आप अपने घर में बैठकर सीखते हैं, या आप मुंबई आकर मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए अपनी डिटेल्स, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा दोस्तों।